हेलो एवरीवन यूनिट सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में विस्कोसिटी का एक और वीडियो लेके आ गए पहले क्या क्या किया विस्कोसिटी क्या होती है रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के बारे में इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कंसिडर अ लिक्विड मूविंग थ्रू अ पाइप ए बी ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन फिगर में दिखाई दे ही रहा है हमने कहा ए वन एंड ए टू आर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप ए एंड बी वी वन इज द एंट्रिंग ऑफ लिक्विड एट रूटो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए एंड बी ना वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंट्रिंग पर सेकेंड एट ए वॉल्यूम पर सेकेंड वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस पर सेकेंड क्या हो गया पर टाइम सो इसे हम लिख सकते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी फॉर ए तो ये हो जाएगा V1. इससे अगर हम निकाले मास ऑफ लिक्विड एंट्रिंग पर सेकेंड एट ए मास पर सेकेंड क्या होगा वॉल्यूम पर सेकेंड इनटू डेंसिटी तो आ गया ए वन वी वन रो वन मास ऑफ लिक्विड एग्जिटिंग पर सेकेंड एट बी हो गया ए टू वी टू रो टू

इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर तो पहला क्वेश्चन आता है ए पार्ट व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद आवर फिंगर्स फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन आवर फिंगर्स क्यों भाई तो जब आप क्लोज करेंगे फिंगर से एरिया ऑफ आउटलेट कम होगा एरिया ऑफ आउटलेट कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करेगी क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी शुड बी कॉन्स्टेंट तो इसीलिए वाटर जो है फास्ट स्पीड से बाहर निकलता है बी पार्ट अ फ्लूड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थर्स्ट ऑन द वेसल फ्लूड फ्लोइंग थ्रू ए स्मॉल होल होन वेसल्स एक्वायर्स लार्ज वेलोसिटी क्योंकि स्मॉल होल यानी कि एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से क्या होगा इसको बैकवर्ड वेलोसिटी मिलेगी क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रही है याद करो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 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 सेंटीमीटर स्क्वायर वन एंड होल्स ईच डायमीटर इफ द लिक्विड फ्लो इन साइड द पाइप इज वन पॉइंट फाइव मीटर पर मिनट वट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स गिवन है हमारे पास ए वन उसे हमने मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया डी टू उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो उससे आर टू भी निकल गया और v1 भी गिवन है रेट ऑफ फ्लो से उसे हमने मीटर पर सेकंड में किया और n इज़ 40 नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच होल a2 टू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इसमें वैल्यूज रखी तो ये निकलता है पॉइंट सेवन एट फाइव इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर ना टोटल एरिया ऑफ फोर्टी होल्स के लिए ए टू इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ स्मॉल ए टू तो ये निकला 31.4 इंच टू टेन टू पावर ऑफ माइनस सिक्स मीटर स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। According to equation of continuity, a1 v1 is equal to a2 v2। इसमें हमने वैल्यूज़ रखी, तो मेरा v2 आता है 0.63 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर three, अ स्प्रे पंप used for killing insects is made of a cylindrical tube of cross section of 10 cm square it has 50 fine holes each of radius 0.05 cm if the insect killing agents a liquid enters the tube of the pump at 2.4 meter per minute what is the speed of ejection of the liquid through the holes okay ए वन इज गिवन उसे हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया आर टू गिवन है उसे मीटर में कन्वर्ट किया और वी वन मीटर पर मिनट है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया एरिया ऑफ 50 होल्स निकालें तो होगा 50 टाइम्स ऑफ पाई आर टू स्क्वायर दैट इज 3.92 पॉइंट नाइन टू इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस फाइव मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू वैल्यूज रखी वी टू निकलता है वन पॉइंट जीरो टू मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर फोर टू पाइप पी एंड क्यू हैविंग डायमी टू इंटू टेंट विध पावर ऑफ माइनस टू मीटर एंड फोर इंटू टेंट विथ पावर ऑफ माइनस टू मीटर रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइन इन सीरीज विद द मेन सप्लाई लाइन ऑफ वाटर वॉट इज द वेलॉसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन पाइप पी तो डायमीटर ऑफ पी इज गिवन तो रेडियस निकाल लिया डायमी तो उसका रेडियस निकाल लिया एरिया ऑफ पाइप पी इज ए पी इज इक्वल टू पाई आर पी स्क्वा इसमें वैल्यूज़ रखी तो आता है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन पावर ऑफ माइनस फोर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाइप क्यू ए क्यू इज़ इक्वल टू पाई आर क्यू इसमें वैल्यूज़ रखी तो निकलता ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स इंटू पावर ऑफ माइनस फोर मीटर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है ए पी वी पी इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू इसमें वैल्यूज़ रखी तो मेरे पास वी पी इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ वी क्यू निकल आता है क्वेश्चन नंबर फाइव वाटर फ्लोज सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द दॉटर इज टू कम आउट एट स्पीड ऑफ से मीटर पर तो गिवन है उसे मीटर में कन्वर्ट किया वी वन है और वी टू भी गिवन है ना वॉट इज द एरिया ऑफ पाइप ए वन इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्र वो निकलता है थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस फोर मीटर स्क्वायर ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ What is the area of nozzle? A two is equal to pi r two square, ki 3.14 into r two square. According to equation of continuity, A one v one is equal to A two v two. Values rakhi so r two square is equal to 10 to the power of minus four upon five. R two is 10 to the power of minus two upon root five meter. Now we need to find the diameter of nozzle. Diameter is twice of the radius so this is 2 into 10 to the power of -2 upon root 5 which is 0 0.894 into 10 to the power of -2 meters now is the time for acknowledgement google bing ncert sabka dhanyawad jahan se jo kuch data ya images li gayi and do watch the next video which is on bernoulli theorem a very important topic thank you so much